हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक्चुअली 2 दिन हो गए हैं तो कुछ शूट नहीं किया, मोबाइल उठाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि घर की सफाई वगैरह चल रही थी, तो बस उसी में बिजी रही हूँ। टाइम ही नहीं मिला कि मैं उठाऊँ कैमरा और बात वगैरह करूँ या व्लॉगिंग करूँ, बस तहा के साथ ही और घर के कामों में ही जो है सब टाइम गुजरता गया। तो कल भी जो है सही ग्रैंड करके सफाई की थी हमने, सारी चीज़ें दोबारा से मैंने आगे की, क्योंकि ना पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि ना जाले बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो हफ्ते में ना मतलब मैं 2 से 3 दफ़ा कर देती हूँ, जाले वगैरह उतार देती हूँ, बहुत ज़्यादा जाले आते हैं। तो कल भी फिर सही करके सफाई की है, हर एक चीज़ आगे की है, बस सिर्फ एक चीज़ आगे नहीं होती, वो है मेरी कपड़ों वाली जो अलमारी है, जो कपड़ है मेरी वो आगे नहीं होता, बाकी ये है कि सब आगे आगे हो जाता है। अब ये है कि उसके पीछे से अगर कोई 2-3 बंदे आए तो फिर उसको उठा के तो आगे पीछे करें तो ही बात है। तो बस यही था कि कामों में ही लगे रहे हैं, उसके बाद कुछ किया नहीं। फिर तहा का शूट किया मैंने 7 मंथ्स का, अगर मेरे पास वीडियो हुई, वीडियो है ना हमारे पास, अगर हुई तो मैं ज़रूर इसके साथ लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तहा ने मुझे शूट करने का मौका नहीं दिया था, अब जो है पहले था कि लेटा रहता था, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, अब क्या करते हैं हर चीज़ कहते हैं बस मुझे दे दो। और इसने वो भी ले लिया, 7 वाला बैलून भी ले लिया और उसको इसने सही फाड़ फूड़ के उसका सही सत्यानाश कर दिया। तो बस आज कुछ नहीं, बस आज सोच रही हूँ कि आपको अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। आएंगे, आ जाओ मेरी वीडियो में, आ जाए ना बच्चे इनकार कर रहे हैं इनकार कर रहे हैं, तो फिर अब क्या किया जाए फ्रेंड्स, आप ही बताएं। जी फ्रेंड्स, तो नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो अम्मी बाहर कहीं हुई थी चीज़ें वगैरह लेने के लिए, तो बस वो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल की कि बाहर आओ ताकि ना वो सामान वगैरह उठा लें, तो बस वो उठाने के लिए गए साथ, अम्मी को ले आए। फ़ौरन से अम्मी घर रही तो बस मैंने आके नाश्ता तैयार किया हुआ था, तो अम्मी तो वैसे विकास के साथ नाश्ता कर चुकी थी, यानी कि मेरे देवर के साथ, तो बस फिर अम्मी ने वैसा सिर्फ चाय पी है, तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने फटाफट बर्तन धो दिया था, रो रहा था लेकिन फटाफट काम तो ख़त्म करना था, तो फिर फटाफट बर्तन धो के मैंने जो है आ गई। मैं तहा को उठाया था कि देर में घर से कॉल आ गई, तो बस घर पे बात की है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, वो बात वगैरह होगी। साथ अम्मी का टिकट वगैरह बुक करना था तो वो भी करवा दिया मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ही, ऑनलाइन टिकट बुक करवा के, ताकि ये ना हो ना कि कल को फिर एंड पे गाड़ी ना मिले तो कोई इशू हो जाता है ना, तो इस वजह से पहले से करवा लें तो ज़्यादा बेटर है। तो बस ये सब किया, उसके बाद तहा बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो फिर मैंने उसको जो है अभी सुला दिया, वो सो गया, तो बस अभी अम्मी के पास चलते हैं और देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं। क्या हुआ अम्मी, दवाई क्यों ले रही हो? ये पट्टे की दर्द कर रही, वो दांत में दर्द है। अच्छा, वो खाइए, बाकी ये साथ रखती। हाँ फ्रेंड्स, अम्मी का जो है शादी पे जा रही हैं, सियालकोट जा रही हैं, दवाइयाँ साथ रख रही हैं, लेके जाएंगी साथ। तैयारी होगी या बाकी सब कुछ बैग शैग पैक किया? कोई नहीं, कोई नहीं किया। अच्छा, चीजें रखनी है, ऊपर से अटैची उतार के लाऊंगी, चीजें उसमें रखनी। सही, तो फ्रेंड अम्मी जा रही हैं सियालकोट शादी पे, अम्मी की देवर की बेटी की शादी है, तो कल हम जाएंगे, तो कल भी आपको मज़े का व्लॉग मिलेगा, अम्मी को छोड़ने के लिए जाएंगे, और आज भी जो है अम्मी जो है सारी शॉपिंग वॉपिंग करके ले आई हैं। शॉपिंग मतलब घर का सारा सौदा सर्फ, ताकि हमें पीछे से कोई मसला ना हो, हमें कोई सौदा सर्फ बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी, घर पे सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो वो हमें कोई मसला नहीं होगा, घर पर हर एक चीज़ मौजूद होगी तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी अम्मी जो है हफ्ते का एक साथ सब चीज़ें ले आती हैं, जैसे सब्जियाँ हो गई, गोभी वगैरह, मटर, आलू वगैरह, प्याज टमाटर ऐसे ले आती हैं इकट्ठे, ताकि बार बार कौन बाहर जाए दुकान पे, तो मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे होते हैं और जो मेरा देवर है वो भी काम पे होता है, तो फिर इनके पास टाइम नहीं होता कि हर टाइम जाएं, और कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जिसको भगा के भेजते रहो कि वो अम्मी के जा ये चीज़ ले आ, जा ये चीज़ ले आ। तो अभी तहा भी अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तो क्या पता उसको भी हम भगाते रहे है ना अम्मी, नहीं हम सारी ऐसे अम्मी ले आती है इकट्ठी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, हर एक चीज हाँ इकट्ठी ले आती हैं चीजें, ताकि मतलब बार बार बाहर जाना ना पड़े, और अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए अम्मी तो फिर मसला नहीं होता ना, घर पे हर एक चीज मौजूद होती है, इशू नहीं होता किसी चीज का।
ये सही रहता है, आप लोग भी इसी तरह किया करें। हफ्ते की चीजें, हफ्ते की क्या, महीने की भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ लोग तो महीने की भी करते हैं कि इकट्ठा ले आते हैं, पर सब्जियां तो महीने की नहीं ना लाई जा सकती हैं। बाकी सौदा साफ तो लाया जा सकता है, लेकिन सब्जियां जो है हफ्ते की आप ले आए, अंदर आप रख दें, काट के फ्रीज कर दें, तो आप आराम से जो है हफ्ता भर निकाल सकते हैं। बार बार बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी। और अम्मी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो? अच्छा, बस अम्मी की पैकिंग हो चुकी थी, उसके बाद कुछ नहीं, बस ताहा को सुलाया था मैंने, तो मैं भी साथ उठते लेट की। फिर अम्मी ने गोभी वगैरह काटती तो कहती है सालन बना दो, तो फिर मैं गोभी बनाने लग पड़ी। बस गोभी बनाई है, गोभी आलू बना के, तो अम्मी ने चाट बनाई थी आज, फ्रूट चाट, तो अभी हम सब ने वही खाई है, फ्रूट चाट खा के। बस अभी ताहा को मैंने इसके लिए आलू बॉयल किए हुए थे, तो अभी ताहा वो खा रहा है, उसको वो खिला रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड ने ताहा को देखा है आलू बॉयल खाते हुए, वो कहते हैं मुझे भी कर दें, मैं नमक मिर्च डाल के खाऊंगा, तो बस अभी उनके लिए भी रखती हैं और ताहा को भी खिला रही हूँ। बस आज की यही रूटीन थी, बाकी अभी जो होता है आपको दिखाते हैं साथ। बिस्मिल्लाह ताहा क्या खा रहा है? आलू खा रहे हो? आलू है? आलू खा रहे हो? नहीं, सीधे होके खाओ, बस इसका ये काम है, इसका यही काम है, फौरन से इसने उल्टा हो जाना होता है, सीधा होके इसने एक सेकंड भी नहीं रहना, कहता बस मैं फौरन से हर चीज़ पकड़ लूँ। अब इसको ये है मैं खुद खाऊं, खुद अभी दे नहीं सकती हूँ, इतना है नहीं अभी, ये देखा इसको, बस इधर ताहा बेटू खा लो थोड़ा सा, इसको मैश करके ऐसे खिलाती हूँ, ऐसे ही बोल देती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रही थी कि ताहा के अभी मैंने जो खाने वाले जो इसके खाने वाले जो बर्तन है ना, स्पून और प्लेट और ग्लास, वो भी मैंने नहीं मंगवाया, क्योंकि अभी प्रॉपर इसने खाना नहीं खाना स्टार्ट किया, तो अभी मैं इसको ऐसी नॉर्मल प्लेट में मैं खुद इसको मतलब दे देती हूँ, खिला लेती हूँ खुद ही। तो अब जब ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बैठना शुरू करेगा इंशाल्लाह, तो फिर खुद जब खाया करेगा तो फिर मैं वो लेकर आऊँगी और फिर ये उसमें वो खाया करेगा। साथ में इसके वो मिलती है आजकल बहुत प्यारी प्यारी चली हुई हैं ऑनलाइन, तो मैं वही ऑर्डर करूँगी, हो सकता है शायद शॉप से मुझे मिल जाए, शॉप से मिल जाएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देख के खुद पसंद करना अच्छी बात है, इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन में ही होता है समटाइम्स वो चीज़ नहीं आती है। तो बस यही है कि इसके वो वाले मंगवाऊंगी सारी चीज़ें, और फिर इसकी इंशाल्लाह चेयर भी लेनी है, वक्त के साथ साथ ही सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी यही है कि किसी भी प्लेट में मैं इसको देख खिला देती हूँ, कुछ नहीं होता। बस हस्बैंड को दे दिए थे आलू बॉईल करके सही चाट मसाला डाल के, तो उन्होंने खा लिए हैं। बस आज के लिए इतना ही, गोभी वगैरह हो चुकी है, पका चुकी हूँ, बस अब रात को रोटियाँ बनानी है। बाकी आज कुछ खास किया नहीं, क्योंकि घर साफ़ सुथरा था, कोई इतना काम करने का नहीं था, और ठंड भी थी, तो ताहा को मैंने आने लाया भी नहीं, तो इसी तरह मैंने उसको मुंह हाथ वगैरह धो के, तो मैंने उसको कपड़े चेंज कर दिए थे, तो ताहा को भी मैंने खिला दिया है, और बाकी सब ने हम सब ने भी खा लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरा चैनल जो है वो शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।